आज के एपिसोड में हम आपको कुछ पुरानी प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकलिंग करके 15 माइंड ब्लोइंग बागवानी हैक्स दिखाएंगे। कृपया इसे अंत तक देखें। पंद्रहवें नंबर पर फल पिकर मॉडल 1। 2 लीटर की प्लास्टिक की बोतल लें, उस पर किसी भी लेबल या स्टिकर को हटा दें। बोतल के आधार पर निशान बनाएं। आधार पर एक क्रॉस चिन्हित करें ताकि इसे 4 बराबर फ्लैप में विभाजित किया जा सके। सावधानी से इसे आरा ब्लेड या गर्म चाकू से काट लें। आपको 4 बराबर फ्लैप मिलने चाहिए। फिर प्रत्येक फ्लैप पर छेद करें। फिर बोतल की गर्दन के पास छेद बनाएं जो नीचे फ्लैप छेद के बिल्कुल अनुरूप है। ये पल चुनने के लिए सभी फ्लैप के समान खुलने के लिए महत्वपूर्ण है। अब इन जैसे कुछ नायलॉन के तार लें। तार के एक छोर को गांठ बांधकर फ्लैप छेद पर फिट करें और इस दूसरे छेद के माध्यम से बोतल के मुंह से दूसरे छोर को बाहर निकालें। शेष 3 फ्लैप के लिए ऐसा करें। चारों तारों को आपस में बांध लें। स्ट्रिंग गांठ खींचते समय फ्लैप की गति की जांच करें। यदि कोई समस्या है तो एडजस्ट करें। वैकल्पिक रूप से आप अपनी इच्छा के अनुसार बोतल को पेंट करके सजा सकते हैं। अब 2 PVC पाइप लें। 1.25 इंच का पाइप है। लंबाई पेड़ों की ऊंचाई पर निर्भर करती है। एक और पाइप लगभग 1 फुट लंबा और 1 इंच व्यास। छोटे व्यास के पाइप को बड़े पाइप में आसानी से स्लाइड करना चाहिए। अब इस जंक्शन पर एक और बड़ी स्ट्रिंग बांध दें और इसे दोनों पाइपों के माध्यम से बाहर लाएं। पाइप को स्क्रू का उपयोग करके बोतल के मुंह से जोड़ें। पाइप के निचले छोर पर कैप में एक छेद के माध्यम से स्ट्रिंग के साथ एक बोतल की कैप डालें। स्ट्रिंग को फिसलने से रोकने के लिए एक गांठ बांधें। आपका फल पिकर उपयोग करने के लिए तैयार है। फ्लैप खोलने और फल चुनने के लिए बस नीचे के पाइप को बाहर की ओर स्लाइड करें। 14वें नंबर पर फल पिकर मॉडल 2। 2 लीटर प्लास्टिक की बोतल लें, उस पर किसी भी लेबल या स्टिकर को हटा दें। उन फलों के आकार के आधार पर जिन्हें आप चुनना चाहते हैं, लगभग 3 से 5 इंच के व्यास के साथ एक सकल चिन्हित करें। प्लास्टिक की बोतल के नीचे की ओर सकल पर एक चोंच चिन्हित करें। इस आकार का छेद बनाने के लिए इसे सावधानी से काट लें। बोतल को अपनी वांछित लंबाई के एक खंभे या PVC पाइप पर फिट करें। आपका सरल फल पिकर मॉडल फल चुनने के लिए तैयार है। 13वें नंबर पर एयर प्रूनिंग पॉट। वायु छटाई का मतलब है जब जड़ युक्तियों को हवा के संपर्क में लाया जाता है तो जड़ युक्तियों को प्रभावी ढंग से जला दिया जाता है, जिससे पौधे लगातार नई और स्वस्थ शाखाओं की जड़ों का उत्पादन करते हैं, जिससे जड़ों की अधिक शाखाओं को बढ़ावा मिलता है। यदि जड़ें हवा के संपर्क में नहीं आती हैं, तो वे एक संकुचित पैटर्न में कंटेनर के चारों ओर बढ़ती रहती हैं, जिससे वे जड़ बाध्य हो जाते हैं। इसलिए वायु छटाई एक सीमित स्थान के भीतर पौधों के बेहतर विकास को बढ़ावा देती है। एक वायु छटाई पॉट बनाने के लिए आपको बड़ी प्लास्टिक की बोतलों की आवश्यकता होती है, जैसे कम से कम 5 लीटर कैन। किसी भी लेबल या स्टिकर को हटा दें। आपको लगभग 1 इंच व्यास और 1 फुट ऊंचाई के PVC पाइप की भी आवश्यकता होती है। बोतल की कैप पर एक सकल चिन्हित करें और इसे काट लें। यह इसके माध्यम से पाइप डालने के लिए है। पाइप पर कई छोटे छेद करें। छेद की कोई भी संख्या, जितना ज्यादा बेहतर है। इस पाइप के तल पर एक कैप फिट करें। एक और छोटी प्लास्टिक की बोतल ले लो। इसे चिन्हित करें और इसे फनल के रूप में काट लें। इस फनल को इस पाइप के ऊपरी छोर पर फिट करें। इसे कसकर स्क्रू करें। अब बोतल पर किसी भी आकार की छोटी सी खिड़की काट लें। फिर इस खुली खिड़की के स्तर के नीचे बोतल पर अपनी कटिंग डालने के लिए कई छेद करें। पाइप को बोतल में डालें और इसे कैप करें। कंटेनर में पॉटिंग मिश्रण डालें। सुनिश्चित करें कि इसमें लगभग 30 से 40% खाद है। आपका एयर प्रूनिंग पॉट तैयार है। अब आप इन छेदों में कुछ पुदीने की कटिंग डाल सकते हैं। आप शीर्ष फनल के माध्यम से हर दूसरे दिन पानी दे सकते हैं। आपको हवा की छटाई के सिद्धांत का उपयोग करके लगभग 2 सप्ताह के समय में अच्छी और तेज पुदीने की पत्तियों को बढ़ते हुए देखना चाहिए। 12वें नंबर पर आसान प्लांट क्लोनर। आप इस सरल पौधे क्लोनर का उपयोग करके अपने कटिंग को तेजी से उगा सकते हैं। कोई भी प्लास्टिक की बोतल ले लो। इस बोतल के चारों ओर कई छेद करें। छेद कटिंग्स के लिए पर्याप्त बड़े होने चाहिए। अपने पौधों की कुछ कटिंग लें। सुनिश्चित करें कि आप तेजी से रूटिंग के लिए लगभग 45 डिग्री के कोण पर कट लगाते हैं। इन छेदों में कटिंग डालें। आप कटिंग को जगह में रखने के लिए टेप कर सकते हैं या कटिंग को पकड़ने के लिए बोतल के चारों ओर एक स्ट्रिंग बांध सकते हैं। बोतल में पानी डालें। यदि आपके पास है तो थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन पाउडर जोड़ें। आप तेजी से रूटिंग को प्रेरित करने के लिए डिस्प्रिन 350 मिलीग्राम डिस्पर्सेबल टैबलेट की आधा गोली भी डाल सकते हैं। यदि आप रूटिंग प्रक्रिया को और तेज करना चाहते हैं, तो एस्टोन्स को पानी में रखें और मछलीघर पंप से कनेक्ट करें। इसे दिन में कम से कम 2 बार कुछ मिनटों के लिए स्विच करें।
ये ऑक्सीकरण तेजी से रूटिंग को बढ़ावा देने में मदद करता है। हमने हाइड्रोपोनिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करके पहले इसी तरह के उन्नत क्लोनर बनाए हैं। आप नीचे दिए गए विवरण में एक लिंक से उन एपिसोड की जांच कर सकते हैं। 11वें नंबर पर ड्रिप सिंचाई। धीमी ड्रिप सिंचाई की सबसे सरल विधि प्रति कंटेनर एक प्लास्टिक की बोतल का उपयोग करना है। बस कैप में एक छोटा सा छेद करें, कम से कम 7 दिनों की पानी की छुट्टी के लिए बोतल भरें और पॉट में लगा दें। सुनिश्चित करें कि आप ड्रिप के प्रवाह के लिए उल्टे बोतल के शीर्ष पर एक छेद बनाते हैं। एक अन्य विकल्प प्रति मिनट बूंदों की संख्या को समायोजित करने के लिए ड्रिप कंट्रोल नॉब के साथ इन छोटे बोतल संलग्नकों का उपयोग करना है। बस इसे बोतल में फिट करें और इसे डालें और ड्रिप नॉब को समायोजित करें। 10वें नंबर पर आसान पौधे पानी प्रणाली मॉडल 1। पत्तियों को गीला किए बिना सावधानी पूर्वक पानी देने के लिए आपके महंगे सक्यूलेंट पौधों के लिए इस नोजल कैन की सिफारिश की जाती है और इस प्रकार फंगल सड़न से बचा जा सकता है। कोई भी प्लास्टिक की बोतल लें, कैप में एक छेद बनाएं और इस छेद में एक पाइप फिट करें और इसे ग्लू कर दें। मॉडल 2। ये सिर्फ एक साधारण शॉवर बोतल है। बोतल की कैप में कई छोटे छेद करें। यह आपके बीज और रोपाई को पानी देने और आपके बगीचे की नली के भारी दबाव से बचने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो बीज या छोटे रोपाई को नुकसान पहुंचाता है। 9वें नंबर पर आसान कीटनाशक स्प्रे बोतल मॉडल 1। किसी भी प्लास्टिक की बोतल लें और अपने इंडोर या आउटडोर पौधों पर कीटनाशकों या यहां तक कि फॉल ऑफ ईट को स्प्रे करने के लिए इस प्रकार के सरल हाथ दबाव ट्रिगर नोजल फिट करें। मॉडल 2। आप अमेज़न पर आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध एक समायोज्य दबाव नोजल या पंप प्रकार के नोजल को भी संलग्न कर सकते हैं। 8वें नंबर पर रिंग गार्ड। प्लास्टिक की बोतलों से इस तरह के कुछ छल्ले काट लें। अपने छोटे पौधों को खाने वाले स्लग्स और घोंघे को रोकने के लिए बीज और रोपाई के आसपास इनका उपयोग करें। 7वें नंबर पर मिनी ग्रीन हाउस। प्लास्टिक की बोतलों से शीर्ष को काट लें, कैप्स को हटा दें और इन्हें बीज पर कवर करें। ये बीज को तेजी से अंकुरित करने के लिए अच्छी आर्द्रता के साथ एक मिनी ग्रीन हाउस प्रभाव बनाता है। नंबर 6 पर आसान फिनल। प्लास्टिक की बोतलों के शीर्ष को काट लें जैसा कि पिछले हैक में किया गया था। ये बीज को कंटेनर या पॉटिंग मिश्रण में स्थानांतरित करने या यहाँ तक कि पानी देने, कीटनाशकों को मिलाने आदि के लिए एक आसान फनल है। 5वें नंबर पर सेल्फ वाटरिंग पॉट। आपको एक बड़ी प्लास्टिक की बोतल की आवश्यकता है। निशान बनाएं और इसे काट लें। आपको दो टुकड़े मिलते हैं। नीचे वाला एक पानी का जलाशय है और ऊपरी हिस्सा पौधों या यहाँ तक कि बीज उगाने के लिए वास्तविक बर्तन है। वैकल्पिक रूप से आप इसे अच्छे दिखने के लिए पेंट कर सकते हैं। अब कपास की रस्सी का एक टुकड़ा लें। बोतल की कैप में दो छेद करें और इसके माध्यम से कपास की रस्सी डालें। रस्सी के निचले छोर को पानी के जलाशय में रखा जाना चाहिए। अब आपके पास कपास की दो रस्सियां हैं। अब कुछ पॉटिंग मिश्रण को लगभग आधा भरें और एक रस्सी को दफन करें। फिर अधिक पॉटिंग मिश्रण जोड़ें और फिर दूसरी रस्सी को दफन करें। आप इसमें बीज या छोटे पौधे लगा सकते हैं। जब भी मिट्टी सूख जाती है तो ये स्ट्रिंग के माध्यम से पानी को चूस लेगी और मिट्टी को नम रखेगी। नंबर 4 पर पौधे के लेबल। बस प्लास्टिक की बोतलों की कुछ स्ट्रिप्स काट लें और उन्हें अपने बीज या पौधों को लेबल करने के लिए उपयोग करें। नंबर 3 पर बीज भंडारण। प्लास्टिक की बोतलें आपके बचे हुए बीजों के भंडारण के लिए उत्कृष्ट है। बस एक सूखी प्लास्टिक की बोतल में बीज डालें और कैप बंद करें। सुनिश्चित करें कि आप कवक को रोकने के लिए किसी भी नमी अवशोषण के लिए सिलिकॉन डेसिकेंट का एक छोटा पाउच रखें। नंबर 2 पर पक्षी जल फीडर। एक प्लास्टिक प्लेट या एक छोटी ट्रे लें। बोतल कॉक को इस ट्रे के केंद्र में फिट करें। इसे मजबूत बनाने के लिए इसे बोल्ट करना एक अच्छा विचार है। गोंद के साथ सील करके किसी भी रिसाव को रोकने का भी प्रयास करें। बोतल के मुंह के पास इस तरह के छेद बनाएं। बोतल भरें और ट्रे को बोतल में कॉक करें और सेटअप को उल्टा करें। आप कुछ तारों का उपयोग करके अपने बगीचे में पक्षियों के लिए इस सरल DIY जल फीडर लटका सकते हैं और अपने बगीचे में सुंदर पक्षियों को आकर्षित कर सकते हैं। नंबर 1 पर आसान प्लांटर्स मॉडल 1। साग उगाने के लिए एक बड़ी बोतल लें और इसे क्षैतिज रूप से काट लें। आपको अपने साग उगाने के लिए एक व्यापक कंटेनर मिलता है। कुछ स्क्रू की मदद से नीचे एक टोपी फिट करें। वैकल्पिक रूप से इसे पेंट करें या अपनी इच्छा के अनुसार सजाएं। तल पर कुछ जल निकासी छेद बनाएं। इसे पॉटिंग मिक्स से भरें और अपने बीज बोएं। मॉडल 2। एक बोतल को इसके आधार के पास नीचे से लगभग 5 से 6 इंच की तरह काटें। वैकल्पिक रूप से इसे पेंट करें और अपनी इच्छा के अनुसार सजाएं। कुछ जल निकासी छेद बनाएं। इसे पॉटिंग मिक्स से भरें और बीज या कुछ छोटे पौधे उगाएं।
कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने प्रश्नों के साथ नीचे टिप्पणी करें। हैप्पी बागवानी।